नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धक्कड़ जानकारी चैनल पर आने के लिए। दोस्तों आपको आज की बहुत बड़ी खबर बता देता हूं कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से यहां पर बीपीएल कार्ड बनाए जाएंगे। और आपको यहां पर चेकआउट करवा देता हूं कि कल ही यहां पर मनोहर लाल खट्टर जी ने ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी देते हुए कहा है कि 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय यानी कि 1,80,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के आर्थिक उत्थान का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। दोस्तों आपको बता देता हूं कि बीपीएल कार्ड यानी कि 1,10,353 के करीब जो है हरियाणा में बीपीएल कार्ड बनने जा रहे हैं। दोस्तों हरियाणा में 2,20,48,121 लोग पीपीपी आईडी पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। दोस्तों बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों दस्तावेज लगाने की नहीं पड़ेगी ज़रूरत। राशन कार्ड्स हैं जो बीपीएल लिस्ट में आ चुके हैं, लेकिन आगे क्या करना है उसके बारे में अभी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। लेकिन यह कल ही की इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने बताया है कि दस्तावेज लगाने की। और दोस्तों आपको बता देता हूँ कि करीबन 1 लाख या 1.5 लाख परिवारों के अभी बीपीएल कार्ड बनने शुरू होने वाले हैं। दोस्तों आगे क्या अपडेट आएगी हम चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर बताते रहेंगे। अगर आपका भी बीपीएल कार्ड में नाम या फिर अगर आप भी बीपीएल सूची में शामिल होना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर बनिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ।